नमस्कार, मैं हूं मुनीश राजदान रेस्पिरेटरी सिस्टम से। आज आपके लिए एक बार फिर से एक नया प्रोडक्ट रेसमेड का लुमिस 150। रेसमेड लुमिस वन सॉरी 150 नहीं, लुमिस 100 है। लुमिस 100 वीपैप एस। तो लुमिस 100 जब भी आप लें तो इसमें ध्यान रखें, लुमिस 100 वीपैप एस या वीपैप एसटी। एस जो है वो सिंपल वीपैप एस है, एसटी अगर लिखा होगा तो वो एसटी मोड के साथ में होगा। तो इसके अंदर आपको सिर्फ दो ही मोड मिलेंगे, सीपैप और दूसरा वीपैप एस। इसको खोल के देख लेते हैं हम लोग कैसा है। सेम बैग सब एक जैसे हैं, बॉक्स सब एक जैसे हैं, जितने भी मॉडल्स हैं। इसमें खोलेंगे आपको ये मशीन मिलेगी, ह्यूमिडिफायर मिलेगा, पावर अडेप्टर मिलेगा, ट्यूब मिलेगी, हीटेड क्लाइमेट कंट्रोल ट्यूब है। ये यूजर मैनुअल मिलेगा, ट्यूब 2 साल की वारंटी के साथ ही आती है, सॉरी 3 साल की वारंटी है इसकी। और ये इसके साथ क्विक रेफरेंस गाइड है। एसडी कार्ड के लिए, एसडी कार्ड कैसे लगाना है उसके लिए क्विक रेफरेंस गाइड है, ये आपको इसके साथ मिलेगी। और ये यूजर मैनुअल। ऑलमोस्ट सब एक्सेसरी सेम है, बाइक वी पैप एस हो, सी पैप हो, ह्यूमिडिफायर। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम का निशान है, मिडल वाले निशान तक हमें पानी भरना है इसके अंदर। आर ओ वाटर या डिस्टिल्ड वाटर डालना है, ड्रिंक टैप वाटर नहीं डालना है। खोलने के लिए ह्यूमिडिफायर को यहाँ से आप खोल सकते हैं, वापस बंद कर सकते हैं। बंद करके आपको इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। ये इंसर्ट हो गया। जब मशीन में पानी पड़ा हो तो ध्यान रखना है, कभी भी मशीन उठा के टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। अगर आपको मशीन उठाना है या कहीं पे और रखना है मशीन को, तो पहले इसको निकाल लेंगे, इसको अलग रखेंगे और फिर मशीन उठा के आगे पीछे जो भी करना है करेंगे। अगर टेढ़ा करके मशीन में पानी चला गया, ऐसा ह्यूमिडिफायर के साथ आपने ऐसा कर दिया, पानी मशीन में चला गया, तो कोई 1 मिनट की भी वारंटी नहीं मिलेगी आपको। हीटेड ट्यूब इसके साथ में मिलती है आपको। क्लाइमेट कंट्रोल ट्यूब है और ये आपको इसके साथ पावर अडैप्टर मिलता है। पावर कॉर्ड आपको इसके साथ मिलेगा, पावर कॉर्ड आपको इधर कनेक्ट करना है पावर अडैप्टर में। हम भी इसको ऑन करके देखेंगे। और इसमें पीछे देखिए, ये जहाँ पे हम लोग इसका पावर लगाते हैं, यहाँ पे इसका लॉक है, ये स्लाइडिंग लॉक है, ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे जब हम इसको लगाएंगे, जैक को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद में इसको प्रेस करेंगे नीचे, तो ये लॉक हो जाएगा, निकलेगा नहीं खुद से। अगर इसको निकालना है, इसको ऊपर करेंगे फिर इसको पीछे खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। ये ध्यान रखना है लगाते हुए। ये लग गया, मशीन को जब ऑन करेंगे तो ऐसा लोगो दिखेगा आपको रेस्मेड का। ये इसका डिस्प्ले स्क्रीन है, ये रोटरी नोब है। इस नॉब से हम लोग सिलेक्शन करते हैं, चेंज करते हैं। ये होम बटन है, ये ऑन ऑफ बटन है इसके ऊपर। और यहाँ पे हम अपना ट्यूबिंग कनेक्ट करते हैं। हीटेड ट्यूब कनेक्ट होगा, नॉर्मल ट्यूब भी लगा सकते हैं, हीटेड ट्यूब भी लगा सकते हैं, इसमें ऑप्शन इनबिल्ट है। ह्यूमिडिफायर इसका हीटेड ह्यूमिडिफायर है। यहाँ पे प्लेट है एल्युमिनियम का, यहाँ पे भी बेस में एल्युमिनियम है, तो ये हीटर
इसका कंट्रोल मशीन के अंदर है, जितना गर्म करना है, जितना ह्यूमिडिफिकेशन लेवल रखना है हम उतना रख सकते हैं। सेटिंग्स इसका देख लेते हैं, जैसे भी क्लिनिकल सेटिंग्स में जाना है सॉरी क्लिनिकल सेटिंग्स में जाना है तो ये रोटरी बटन और ये होम बटन दोनों प्रेस करेंगे। ये इसका क्लिनिकल सेटिंग्स का मेनू आ गया, तो ये ब्लू कलर में जो हाइलाइटेड है वो ऑप्शन काम करेगा। सेटिंग्स के ऊपर हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स खुल गई। सेटिंग्स खुलने में मोड सिलेक्शन है, मोड पे प्रेस करेंगे मोड आ जाएगा, सीपैप है और एस है, जो भी आपको मोड रखना है, सीपैप रखना है तो सीपैप की सेटिंग्स कर लेंगे, करके फिर उसको कंफर्म कर देंगे। अगर आपको बाईपैप रखना है तो बाईपैप कर देंगे। बाईपैप में आईपैप है, जिस पे भी जाना है, जिसको चेंज करना है उसको हाईलाइट करके ब्लू में कर दीजिए, फिक्स सिलेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे, जितना भी आपका प्रिस्क्राइब्ड प्रेशर है, डॉक्टर ने जितना प्रेशर बोला है यूज़ करने के लिए उसको सिलेक्ट कर देंगे। आईपैप ईपैप, फिर बैकअप रेट इसमें एक ऑप्शन है, नॉर्मली मतलब थोड़ा सा प्रीसेट एसटी है इसके अंदर, 10 ब्रेथ्स का जो है आपको बैकअप मिलता है, अगर पेशेंट ब्रीद नहीं करता है तो 10 ब्रेथ्स का बैकअप इसके अंदर है, इनबिल्ट है। या तो आप इसको ऑन कर सकते हैं या आप इसको ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो सीधा 10 का बैकअप है, 10 ब्रेथ्स पर मिनट का, उसमें आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फिर TI है, TI मैक्सिमम आप रख सकते हैं, 1 सेकेंड रख सकते हैं, मिनिमम 0.5 सेकेंड रख सकते हैं। राइज टाइम आप चेंज कर सकते हैं जितना आपको रखना हो या जो भी प्रिस्क्राइब किया हो डॉक्टर ने। ट्रिगर आप सेट कर सकते हैं इसमें, ट्रिगर के 4-5 लेवल हैं, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, तो मीडियम रख लेते हैं। ऐसे ही साइकिल है, साइकिल भी आप सेट कर सकते हैं, इसमें भी 4-5 सेटिंग्स हैं, वो आप जो भी आपको रखना हो वो आप रख सकते हैं अपना कंफर्ट के हिसाब से। मीडियम हम सिलेक्ट करते हैं। मास्क सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप मास्क यूज़ कर रहे हैं, पिल्लो मास्क, फुल फेस मास्क, नेजल मास्क, पीडियाट्रिक मास्क, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में रैंप टाइम है, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। रैंप टाइम, अगर रैंप टाइम ऑन करेंगे तो आपको रैंप प्रेशर भी स्टार्ट करना पड़ेगा। 5 मिनट्स ऑन करेंगे तो ये नीचे रैंप प्रेशर आ गया, कितना आपको स्टार्ट करना है रैंप प्रेशर वो कर सकते हैं या फिर आप इसको रैंप को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी लेवल आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक इसका सेटिंग्स है, आपको जितना रखना उतना रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं, 1 से लेके 8 तक भी रख सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल लगता हो। ट्यूब आप कौन से यूज़ कर रहे हैं, स्लिम लाइन यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड है या 3 मीटर है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल फिल्टर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑन ऑफ कर सकते हैं, यस नो कर सकते हैं। ऑप्शंस में देख लेते हैं, एसेंशियल्स में सॉरी लीक अलर्ट आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, कंफर्म स्टॉप कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं आप इसको। थेरेपी LED स्क्रीन आपको ऑन रखना है तो ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिमाइंडर्स आप इसमें ऑन ऑफ रखना चाहते हैं तो कुछ रिमाइंडर्स आपको रखने हैं, कब मास्क चेंज किया था या क्या कभी वॉश किया था, क्लीन किया था, वो रिमाइंडर्स आप लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। वाटर टब कब उसकी डेट के साथ आप रिमाइंडर डाल सकते हैं, कब आप उसको चेंज करना है या क्लीन करना है, वो रिमाइंडर्स आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर के यूनिट सेट कर सकते हैं आप, सेंटीग्रेड या फारेनहाइट में, जो भी आपको चाहिए। रीस्टोर डिफॉल्ट्स कर सकते हैं, फैक्ट्री सेटिंग्स पे चला जाएगा अगर आप इसको यस कर देंगे, यस नो कर देंगे तो फैक्ट्री रीसेट डिफॉल्ट हो जाएंगे। इरेज डाटा, कोई
पुराने पेशेंट का डाटा है वो आप इरेज करना चाहते हैं तो सारा डाटा मशीन का इरेज हो जाएगा, फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। अबाउट करेंगे तो मशीन का सीरियल नंबर, कितने घंटे मशीन चली है, उसका वर्जन, ह्यूमिडिफायर, सब सॉफ्टवेयर वगैरह सब आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये करने के बाद में जब आपकी सेटिंग्स हो गई, सीधा होम बटन दबा दीजिए, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ से एग्ज़िट कर लीजिए, एग्ज़िट करके आप बाहर आ गए। यहाँ से ऊपर से बटन दबा के मशीन को ऑन कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बाहर दिखाएगा, ईपैप आईपैप में साइकिल हो रहा है ये दिखा रहा है। ये लीक हम अभी मास्क नहीं लगाया तो लीकेज का अलार्म दे रहा है। नीचे रैंप दिखा रहा है, रैंप हमने ऑन किया था इसलिए रैंप दिखा रहा है। ऑफ करने के लिए वापस ऑफ कर लेंगे, जब ऑफ करेंगे तो आपको कितनी देर आपने यूज़ किया टाइम दिखाएगा। मास्क सील आपका ठीक था, ह्यूमिडिफायर आपका ठीक काम कर रहा था, तो ये स्माइली फेस बन के आ रहा है। अगर इन दोनों में से कोई ठीक नहीं होगा, लीकेज ज़्यादा होगी या ह्यूमिडिफायर में लीकेज होगी या कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ये सैड फेस बन के आ जाएगा। यहाँ पे जो भी मास्क का प्रॉब्लम होगा तो इसमें सैड फेस मास्क का बन जाएगा, ह्यूमिडिफायर का प्रॉब्लम होगा तो ह्यूमिडिफायर का फेस जो है स्माइली के बजाय सैड फेस हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको इसमें स्लीप रिपोर्ट देखना है तो कुछ पैरामीटर्स इसमें आपको इसी में दिखा देगा डायरेक्ट होम स्क्रीन पे, वो सिर्फ यही दिखाता है कितने घंटे चली है और मास्क और ह्यूमिडिफायर कैसी कंडीशन थी। अब आपको डिटेल में स्लीप रिपोर्ट देखनी है तो ये दोनों बटन आपको फिर से प्रेस करने पड़ेंगे। ये माई ऑप्शंस पे नहीं, स्लीप रिपोर्ट पे लाके इसको आपको दोनों बटन्स प्रेस करने पड़ेंगे 3 सेकंड तक साइमल्टेनियसली, फिर आ जाएगा। स्लीप रिपोर्ट पे आके इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यूजेज आवर्स, कितने घंटे मशीन चली है, AHI आपका पर आवर कितना था, मास सील कैसा था, ह्यूमिडिफायर कैसा था, पीरियड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कितनी देर का डाटा आपको देखना है। एक दिन का, एक वीक का, एक मंथ का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, 1 साल का, जो भी ऑप्शन आपको देखना हो आप देख सकते हैं। ये अगर एक हफ्ते का हम देख रहे हैं तो कितने घंटे, 4 घंटे से ज़्यादा कितने दिन यूज़ किया आपने, कितने दिन यूज़ किया 7 दिन में से, 4 घंटे से ज़्यादा कितने दिन यूज़ किया, एवरेज यूजेज कितने घंटे यूज़ किया, यूज्ड आवर्स कितने घंटे टोटल यूज़ किया, प्रेशर आपका क्या आया, प्रेशर कितना, किस प्रेशर पर यूज़ कर रहे थे, एक्सपिरेटरी प्रेशर क्या था, लीटर्स पर मिनट लीक क्या था, टाइडल वॉल्यूम क्या था, रेस्पिरेटरी रेट, मिनट वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी टाइम आई, सारी सेटिंग्स आपको दिखाएगा। पूरा डाटा आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। यही डाटा आपको यहाँ पे इसके मेमोरी कार्ड में भी दिखाएगा। ये मेमोरी कार्ड, इसको प्रेस करके आप बाहर निकाल सकते हैं और इसको वापस इंसर्ट करने के लिए वापस पुश कर दीजिए, तो ये कार्ड से भी आप डाटा निकाल सकते हैं सॉरी, और मशीन में भी आप डाटा यहाँ से देख सकते हैं। फिल्टर इसका यहाँ पे है, फिल्टर है, इसको निकाल के हफ्ते 10 दिन में एक बार निकाल के ऐसा टेस्टिंग कर लीजिए, उसके बाद में वापस इसमें लगा के, वापिस इसमें लगाते हुए ध्यान रखना है आपको कि जो गंदा वाला साइड है वो बाहर की तरफ ही लगेगा, उल्टा नहीं लगाना, नहीं तो ये डस्ट सारी अंदर खींच लेगा। वापस लगा के इसको बंद कर दीजिए, 1.5-2 महीने में फिल्टर चेंज कर दीजिए इसका। ये इसके साथ आपको हीटेड ट्यूब मिलेगी, क्लाइमेट कंट्रोल ट्यूब, जब हम इसके साथ लगाएंगे तो क्लाइमेट कंट्रोल ट्यूबिंग के फीचर्स ये दिखाएगा, वो हमने दूसरे मशीन में दिखाया है, दूसरी वीडियोस में हमने दिखाया, आप उसमें देख सकते हैं। ह्यूमिडिटी, इसका ह्यूमिडिटी जो क्लाइमेट कंट्रोल ट्यूबिंग है उसकी सेटिंग्स कैसे होती हैं वो आप दूसरा वीडियो में देख सकते हैं। अभी ये मशीन ट्यूबिंग नई है इसलिए हम नहीं खोल रहे हैं। ये है हमारा लुमिस 100 VPAP S। थैंक यू।